नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज के लेसन में देखते हैं गिटार कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न। फिल्म प्रेम गीत का ये गजल है, होंठों से छूलो तुम। इसे गाया था जगजीत साहब ने और कंपोज भी उन्होंने किया था और लिरिक्स इंदीवर। गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत ही सिंपल है। गाना एफ मेजर में है। मैं बार कॉर्ड जरूर यूज करूंगा एफ मेजर बजाते वक्त, लेकिन बाकी सारे कॉर्ड ओपन हैं, आप बड़े आराम से बजा सकेंगे। और लेसन के एंड में मैं आपको कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न जरूर डिटेल में समझाऊंगा। गाना राग यमन पर बेस्ड है, जिसका वेस्टर्न म्यूजिक में इक्विवेलेंट है लिडियन मोड। मैंने लिडियन मोड पर एक लेसन पोस्ट किया है, उसका लिंक मैं आपको जरूर दूंगा, आप देखें, आपको अच्छा लगेगा। और लेसन के एंड में हम इस मोड पर थोड़ी बहुत चर्चा जरूर करेंगे। हमेशा की तरह गाने के लिरिक्स और कॉर्ड्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और आज का लेसन में मेरा साथ देंगे कीबोर्ड्स पर विकास खंडेलवाल। तो आइए देखते हैं होंठों से छू लो तुम। ये देखें गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स है। गाना एफ मेजर में है, आप चाहें तो यू बजा लें, चाहें तो आप यू बजा लें। इसके अलावा सी मेजर, ए माइनर, जी मेजर भी है, और इंटरल्यूड म्यूजिक में और भी कुछ कॉर्ड हमने यूज किए हैं, डी माइनर, एफ मेजर सेवेंथ, एफ सिक्स, और गाने के शुरुआत में हमने एफ सस्पेंडेड टू कॉर्ड यूज किया है। गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बजा के दिखाता हूं। अगर आप म्यूटिंग ना कर पाए तो यूं बजा सकते हैं। तो आज के लेसन की खास बात, ये गाना जो है राग यमन पर बेस्ड है, जिसका वेस्टर्न म्यूजिक में इक्विवेलेंट है लिडियन मोड। लिडियन मोड में जो है फोर्थ नोट, यानी कि फोर्थ इंटरवल जो है, जिसे हिंदुस्तानी म्यूजिक में हम माँ कहते हैं, वो शुद्ध की जगह तीव्र हो जाता है। तो ये गाना एफ मेजर में है। अगर ये एफ डायटोनिक मेजर स्केल होता है तो इसमें नोट्स होते एफ जी ए बी फ्लैट सी डी ई और फिर वापस एफ। चूंकि ये लिडियन मोड में है, इसमें जो है बी फ्लैट की जगह
बी नोट का इस्तेमाल करते हैं तो नोट्स हो जाते हैं एफ जी ए बी सी डी ई एफ, यानी कि सा शुद्ध रे शुद्ध गा तीव्र मा पा शुद्ध धा शुद्ध नी और सा। तो चूंकि स्केल में बी फ्लैट नोट नहीं है, आप इसमें बी फ्लैट मेजर कॉर्ड नहीं यूज कर सकते। अगर ये गाना एफ मेजर यानी कि डायटोनिक मेजर में होता तो आप देखते इसमें एफ मेजर के अलावा बी फ्लैट कॉर्ड भी होता, लेकिन उसकी जगह हम जी मेजर यूज करते हैं। तो जी मेजर में नोट्स होते हैं जी बी और डी। तो जहां जहां इस गाने में बी नोट पर हम लैंड करते हैं वहां पर हम जी मेजर कॉर्ड बजाते हैं। अगर आप चाहें तो वहां बी डिमिनिश्ड कॉर्ड बजा सकते हैं जिसमें नोट्स होते हैं बी डी और एफ, लेकिन जो बी डिमिनिश्ड कॉर्ड है वो कानों को अच्छा नहीं लगता है, तो जनरली म्यूजिशियंस वहां पर स्केल के दूसरे नोट पर मेजर कॉर्ड यूज कर लेते हैं। तो यही स्केल की खास बात है, स्केल की पहचान समझ लें। आप हमेशा देखेंगे कि जो गाने स्केल्स पे बने होते हैं उसमें जो दूसरा नोट है उस पर मेजर कॉर्ड यूज किया गया होगा। यानी कि अगर मान लीजिए गाना जी मेजर में है तो आप देखेंगे ए माइनर की जगह ए मेजर कॉर्ड यूज किया गया है। इन कॉन्सेप्ट्स में मैंने एक लेसन बनाया है स्केल की पहचान लिडियन मोड, मैं आपको उस लेसन का लिंक जरूर दूंगा, आप उस लेसन को देखें आपको अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं, शुक्रिया।